रिटायर्ड IAS ललित के पंवार राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। ललित पंवार 1979 बैच के राजस्थान कैडर के IAS रहे और 31 जुलाई को केंद्रीय पर्यटन सचिव के पद से रिटायर हुए। साफ और ईमानदार छवि वाले पंवार ने IAS रहते हुए कई अहम पदों पर जिम्मेदारी निभाई। बाड़मेर से ताल्लुक रखने वाले पंवार का जन्म 11 जुलाई 1955 को हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई बाड़मेर में हुई। इसके बाद उन्होंने साइंस से मास्टर्स की और फिर टूरिज्म में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। टूरिज्म सेक्टर के एक्सपर्ट पंवार ने मशहूर किताब पैलेस ऑन व्हील्स रॉबर्ट लूबर और धर्मेंद्र कंवर के साथ मिलकर लिखी। इसके अलावा इग्नू के लिए टूरिज्म कोर्स कैप्सूल भी लिखे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की छवि लगातार बिगड़ती जा रही थी। ऐसे में सरकार ने ये बड़ी चुनौती पंवार को सौंपी। RPSC को देश में फिर वही पहचान दिलाने की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर है। नमस्कार, जी राजस्थान न्यूज के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका स्वागत है। आज जिस चेहरे से मुलाकात कर रहे हैं वो हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ललित के पंवार साहब। पंवार साहब, आपका फेस टू फेस में स्वागत है। नमस्कार। बतौर नौकरशाह एक लंबा जीवन आपने गुजारा और आपकी पहचान जो रही सामान्यतः एक पर्यटन के एक्सपर्ट के तौर पर इस देश में आपकी पहचान रही और बहुत काम भी आपने किया है, लेकिन अचानक से राजस्थान लोक सेवा आयोग की जिम्मेदारी जो कि बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा था वो संस्थान आपको दिया है, क्या लगता है, बड़ी चुनौती? हाँ, चुनौती है। और चूंकि पिछले 6 वर्षों से मैं दिल्ली में था इसलिए इसकी बहुत ज्यादा जानकारी तो मुझे यहाँ आने के बाद हुई। और चूंकि राजस्थान का मामला था और मैं राजस्थान का एक बेटा हूँ, तो मैंने सोचा कि अगर राजस्थान की किसी संवैधानिक संस्था में अगर कुछ उस पर उसकी प्रतिष्ठा पर कुछ आँच आ रही है और उसको अगर मैं ठीक कर सकता हूँ, जो भी मेरा छोटा मोटा प्रशासकीय अनुभव है, तो मुझे राजस्थान के जाए जन्म होने के नाते ये प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए जब मुझे राजस्थान सरकार ने ये नियुक्ति दी तो मैंने इसको एज ए चुनौती के रूप में उसको लिया। आपको लेकर के जैसा कि मैंने कहा कि पर्यटन के एक्सपर्ट के तौर पे आपको जाना जाता है, इस देश के अंदर और राजस्थान में दोनों जगह पे पर्यटन को एक ऊंचाई एक आयाम देने में आपका योगदान रहा है। पर्यटन के नक्शे पे विश्व के नक्शे में राजस्थान को लाने वाले आप हैं। आपके जो एक्सपेरिमेंट पैलेस ऑन व्हील्स से लेकर के हर चीज आज भी याद करी जाती है। अगर आपका उपयोग अगर उस क्षेत्र में होता, राजस्थान के पर्यटन को ऊंचाइयां पहुंचाने के लिए अगर राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अगर चेयरमैन के तौर पर अगर आपकी जिम्मेदारी संभाली जाती या हिंदुस्तान के पर्यटन के लिए आपको काम दिया जाता, मुझे लगता है ज्यादा उपयोग हो पाता आपकी क्षमताओं का। पर्यटन के क्षेत्र में मैं 1981 से काम कर रहा हूं। जब मैं SDO बाली था तो रानकपुर जी का प्रसिद्ध मंदिर है जवाई बांध, वहां से काम कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं। और सेवानिवृत्ति से पहले मेरी जो नियुक्ति थी भारत सरकार के पर्यटन सचिव के रूप में थी, अभी भी मैं पर्यटन से जुड़ा हुआ हूं, मगर सीधे रूप से नहीं, परोक्ष रूप से। और ये कार्यकाल 2 साल का है, 2 साल में जितना मैं इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूं करूंगा, फिर वापस उसी फील्ड में लौट जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा अपना फील्ड है। और वो एक ऐसा फील्ड है जिसमें खासतौर से हमारे राजस्थान के लिए इतना काम करने की गुंजाइश है कि मेरे जैसे 10 ललित पंवार भी लग जाए तो भी 25 की और जरूरत पड़ेगी, इतना ज्यादा काम एक क्षेत्र में है। तो 2 साल के बाद मैं फिर पर्यटन क्षेत्र में लौटने की ख्वाहिश रखता हूँ। और सब राजस्थान को अंदर आपको RPSC की जिम्मेदारी दी, चलिए ठीक है, आप एक्वेंटेड, आप दिल्ली थे पहले जो अध्यक्ष थे, वो जिस प्रकार की घटनाएं हुई यहां तक कि RPSC के पेपर आउट होने लगे, RPSC की परीक्षाएं पूरे देश में मजाक बन गई, जिसकी एक छवि हुआ करती थी वो एक मजाक बन करके रह गई, बड़ी चुनौती, इसको कैसे निपटेंगे सर? पेपर आउट होना, नकल, ये सारे तो ये लगने लगा कि जैसे वो हिस्सा बन गए हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स का। मुझे RPSC चेयरमैन के रूप में काम करते हुए लगभग 2.5 महीने हुए हैं। 10 अगस्त को मैंने काम संभाला था और पिछले 2-2.5 महीने में जो मैं इसका समझ पाया हूं, इसका एक बहुत शानदार इतिहास रहा है। 66 साल पूरे देश के जितने पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें ऐसे हालात कभी नहीं रहे जैसा हालात अभी राजस्थान को देखने को, बल्कि कुछ ऐसे हमारे यहाँ परंपराएं और कुछ ऐसे मापदंड थे जिनको UPSC फॉलो करते। तो हमारा राजस्थान लोक सेवा आयोग पूरे भारत में अपनी एक अलग पहचान रखता था
66 साल पुराना ये ऑर्गेनाइजेशन है। 20 अगस्त 1949 को ये ऑर्गेनाइजेशन बना था नोटिफिकेशन के द्वारा, गजट नोटिफिकेशन के द्वारा। हाँ, पिछले कुछ महीनों में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई वो मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं, आप और हम सब पूरा राजस्थान जानता है। मैंने एक ही लक्ष्य रखा, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधी ले, जो हुआ उसको कैसे वन ठीक करें और ये कैसे सुनिश्चित करें वापस वो नहीं हो। खासतौर से ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का मिसयूज करके जिस तरह से मास कॉपिंग हुई, बिल्कुल, तो हमने तुरंत पुलिस केस करवाए, आपने देखा होगा काफी लोग उसमें अरेस्ट हुए हैं। और एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए हमने करीब 34 लोगों को जिंदगी भर के लिए डिबार कर दिया है। वो न सिर्फ राजस्थान में बल्कि भारत सरकार की भी किसी नौकरी में नहीं जा पाएंगे, अन्य किसी राज्य सरकार की नौकरी में भी नहीं जा पाएंगे। ये जो आपने कहा ये सच्चाई है, ठीक है, आने वाले समय में संभव है कि उसके परिणाम भी देखने को मिले, लेकिन मैं फिर वापस इसी सवाल पे आऊंगा, बड़ी चुनौती है। आपने कहा नो जैमर नो एग्जाम, क्या जैमर की प्रक्रिया आगे बढ़ पाई? जी। दूसरा, पेपर आउट को लेकर के जिस तरीके से नीचे जब पेपर पहुंचता है ग्रास लेट, उसके पहले चीजें लोगों के सामने आ जाती है। तीसरी चीज, संस्थान जहां पर पेपर हो रहे हैं वहां का जो लोकल स्थानीय प्रबंधन है वो इस पेपर आउट के अंदर शामिल होता है। कुल मिलाकर के मल्टी लेवल ये चुनौती बनती जा रही है। और उन सबसे भी बढ़कर के एक चीज आगे कि कुछ इलाके पूर्णतया इस काम के अंदर एक्सपर्टाइज ले चुके हैं। मैं राजस्थान के अंदर आपको बात करूं, शेखावटी का इलाका, आप सीकर झुंझुनू के इलाके के अंदर गारंटी लेकर के पेपर आउट कराए जाते हैं और नकल कराई जाती है। सवाई माधोपुर चले जाएं, गंगापुर चले जाएं, कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि इसके लिए एक तरीके से एक्सपर्ट के तौर पर होकर लोगों को लगता है कि भैया सीकर चले जाइए, वहां जाकर के आप पढ़ाई कोचिंग करेंगे और वहां आपको कोई ना कोई इंजाम हो जाएगा, नकल का हो जाएगा। तो मासेज लेवल पे एक तरीके का ये रैकेट, एक माफिया पैदा हो गया है। हमने जब पुलिस को शिकायत की और SOG स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जब इसकी तफ्तीश की तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट माफिया स्टाइल गैंग निकली, जिनका सिर्फ राजस्थान में नहीं आसपास के 8-10 राज्यों में जिनके ऑपरेशंस थे। और जब दिल्ली में रेड की पुलिस ने तो सैकड़ों की संख्या में जैकेट्स मिले जिसको ये पहन के आते थे, बनियान जो होती है अंदर पहन के, उसमें वायरिंग और ब्लूटूथ उसके अंदर इनेबल्ड, जैम बटन में कैमरा, कान में स्पीकर और डिस्टेंस इसका रिमोट से। तो ये सारी टेक्नोलॉजी पहले हमने कुछ समझी, मैंने खुद एक नकल करने का डिवाइस RPSC से ऑफिशियली मंगाया, उसको ट्राई करके देखा। हमने एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर की सेवाएं ली, जो DIG स्तर के अधिकारी हैं, इस मामले के जानकार हैं, उनकी सेवाएं लेके अब हमने इस बार कोशिश की और REIL के माध्यम से हम CCTV लगा रहे हैं, जैमर्स भी लग रहे हैं। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी थी AIPMT के दौरान, उसमें से जो 6-7 गाइडलाइंस थे उसको हमने अडॉप्ट कर लिया। हाफ शर्ट्स, सॉक्स मोजे अलाउड नहीं होंगे, इस तरह के। तो इस बार मुझे पूरा यकीन है और मैंने पुलिस डिपार्टमेंट के DG साहब से रिक्वेस्ट की कि इस बार डिप्लॉयमेंट बढ़ा के गर्ल्स और बॉयज दोनों का फ्रिस्किंग हो एग्जाम आने से पहले, जैसे हम VVIP एरिया में जब जाते हैं प्रधानमंत्री जी का एयरपोर्ट वाली फ्रिस्किंग होनी चाहिए। हाँ, तो एग्जैक्टली उसी तरह की फ्रिस्किंग भी होगी। तो मुझे इस बार पूरा विश्वास है कि 31 अक्टूबर को जो RS के प्रीलिम एग्जाम होंगे, हमारी तैयारी और राजस्थान सरकार के प्रशासन का पूरा सहयोग जिस तरह से मिल रहा है, और हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी तरह का कोई पेपर लीक या मास कॉपिंग या जिस तरह की अनफेयर प्रैक्टिसेस वो नहीं हो। दूसरी बात मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि इस समस्या का हम आने वाले 1.5 साल में मूल सहित सफाया कर देंगे। अभी हमने छोटा सा प्रयोग किया था, 18 तारीख को 15,000 का फर्स्ट टाइम हमने ऑनलाइन एग्जाम किया। दुर्भाग्य से सिर्फ उदयपुर के 5 और अलवर के 1 सेंटर में 6 वो सर्वर डाउन हो गए। ये प्रथम बार हुआ कि कहां पहले हम 3,500 का ऑनलाइन कराते थे, इस बार हमने 15,000 का कराया। इससे हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर सर्वर वाला थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होती तो हम सक्सेसफुल थे। तो जो हम आज 15,000 का ऑनलाइन करा सकते हैं, तो आने वाले 1.5 वर्षों में टेक्नोलॉजी की मदद से, और इसके लिए मैंने IIT के एक्सपर्ट से डिस्कशन कर लिया है कि RS का 2016 का एग्जाम जो हम करेंगे उसकी प्रीलिम भी हम ऑनलाइन करेंगे ताकि पेपर लीक का झंझट ही न रहे। और ये RS 2016 का प्री ऑनलाइन होगा। इसके लिए हमने टेक्नोलॉजिकल जो सॉल्यूशंस होने चाहिए, IIT प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU और टॉप के जो टॉप ब्रेन्स ऑफ द कंट्री, उनको कंसल्ट कर लिया है। उन्होंने कहा यस, इट इज पॉसिबल, ओनली थिंग विल बी ये फेज में होगा। तो 5 लाख की तैयारी हम करके, और वो एग्जाम 10 दिन चलेगा, 50,000 पर डे ऑनलाइन, उसमें टेबलेट इनेबल्ड हो सकता है
और उसमें जितने भी हमारे साइबर कैफे हैं, और हर कैंडिडेट का एक पासवर्ड होगा, और जो क्वेश्चन आपके वर्क स्टेशन पे 6 नंबर पे है वो पड़ोस के क्वेश्चन पे वो 7 नंबर पे है, तो हम सुनिश्चित करेंगे कि अगला एग्जाम जो हम करें वो बेस्ट टेक्नोलॉजिकल माइंड्स हमारी कंट्री के हैं उनको एसोसिएट करें और यथासंभव सारे एग्जाम्स को ऑनलाइन कर दें। और सब राजस्थान सरकार जब सत्ता में आई तो उस समय एक वादा किया था बहुत बड़े पैमाने पर 15 लाख रोजगार के बाद आता, लेकिन उसमें मानते हैं कि सरकारी नौकरियां नहीं हो सकती, बाकी के स्किल डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, लेकिन बड़ी जो जिम्मेदारी है वो आरपीएससी की है। आप लोगों ने शुरुआत भी करी, प्रथम श्रेणी अध्यापकों की वैकेंसीज आपने निकाल दी है, अब काफी हद तक जो ईबीसी का मामला था या जो विशेष तौर पर जो पिछड़ा वर्ग गुजरों के आरक्षण का मामला था वो भी सॉर्ट आउट हुआ, अब पिछड़ों का तब आरक्षण की व्यवस्था भी हो गई है, अब लग रहा है कि आरपीएससी काम चालू करेगी। लेकिन जब मैं आरपीएससी की तरफ देखता हूं तो यहां पर एक हमारे सामने अध्यक्ष महोदय हैं, 3 मेंबर हैं, न आपके पास में मेंबर्स हैं, काम संभालने वाले या इस जिम्मेदारी को निभाने वालों का जो टीम होनी चाहिए थी वो टीम पवार साहब के पास नहीं है। 2.5 महीनों में हम 5,000 नियुक्तियां ऑलरेडी रिकमेंड कर चुके हैं गवर्नमेंट को, जिसमें 4,000 पीटीआई उनकी लिस्ट हमने गवर्नमेंट को भेज दी, डिपार्टमेंट्स को भेज दी है, और उनको आने वाले 10 दिन में डिपार्टमेंट नियुक्ति पत्र दे देगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि दीपावली से पहले 4,000 पीटीआई की नियुक्ति शिक्षा विभाग कर देगा, हमने लिस्ट उनको भेज दी है, रिकॉर्ड भी भेज दिया। इसी तरह से ज्वाइंट लीगल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर्स, एपीपी का एग्जाम हो गया है, और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स करीब 300 सेलेक्ट करके भेज दिए, तो लगभग 5,000 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 13,000 स्कूल लेक्चरर्स की वैकेंसी आपने पढ़ लिया होगा, निकाल ली हमने, 1,500 कॉलेज लेक्चरर्स की, और 300 इंजीनियर्स के स्तर से हमने जो लाइनअप किया है वो आने वाले 3-4 महीनों में कम से कम 20,000 के करीब रिकमेंड हम और कर लेंगे 31 मार्च 2016 से पहले। और हमें उम्मीद है, हमने राजस्थान सरकार को निवेदन किया है कि जो 4 मेंबर्स की जगह खाली है उस पर यथासंभव शीघ्र मेंबर अगर आ जाते हैं तो बोर्ड्स की संख्या मैं बढ़ा दूंगा, अभी हमारे पास मैक्सिमम 2 बोर्ड चल सकते हैं। बिल्कुल, जैसे ही मुझे 4 मेंबर्स मिलेंगे तो वोट 2 की बजाय 4 हो जाएंगे। प्लस एक हमारे यहाँ प्रावधान है आरपीएससी के नियमों में कि हम रिटायर्ड मेंबर्स को भी बुला सकते हैं, रिटायर्ड मेंबर्स चेयर नहीं कर सकते मगर वो सिटिंग मेंबर के साथ डिवीजन बेंच टाइप मतलब डबल बेंच बन सकती है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी नियुक्तियों में ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो एक दो उदाहरण देते हैं गुजरात के, जिसमें सामान्यतया वो ये कहते हैं कि साहब मैंने मेरे गुजरात के अंदर सब कुछ ऑनलाइन करने की कोशिश करी। दूसरा, इंटरव्यू का जो सिस्टम था, जहां कहीं पार्शियलिटी की संभावनाएं होती है, फेवर या अनफेवर की बात होती है, मैंने उसको सिस्टम से हटाया, और निश्चित तौर पर व्यक्तिगत जो इंटरव्यूज हैं वो कहीं ना कहीं एक मौका छोड़ते हैं भ्रष्टाचार का, सिफारिश का, भाई भतीजावाद का। आपके कैलेंडर में कहीं है कि आने वाले टाइम में ये जो एक चीज लोगों के मन में संशय पैदा करती है वो हटेगी? माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो अपना उद्बोधन दिया था उसको मैंने भी सुना था, और माननीय उच्चतम न्यायालय के इसमें निर्देश भी हैं कि यथासंभव इंटरव्यू का वेटेज 12.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर मानना कि 12.5% कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इतना रहना भी चाहिए। ऐसी नौकरियां या ऐसी जॉब्स जहां पे पर्सनैलिटी का भी एक रोल है, जैसे कि आरएस अपना मेन एग्जाम जो होता है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, या लेक्चरर्स का है जहां आर्टिकुलेशन देखा जाएगा, पर्सनैलिटी देखा जाएगी, पुलिस ऑफिसर्स है, तो कुछ जॉब्स में तो अपने को इंटरव्यू रखना लाजमी भी है क्योंकि उसमें एक पर्सनैलिटी का भी एक रोल है, आर्टिकुलेशन का, अभिव्यक्ति का भी एक रोल है। 80% नौकरी या 80% जो एग्जामिनेशन हैं उसमें अपन मेरिट बेस कर सकते हैं क्योंकि उसमें स्क्रीनिंग हो जाती है ऑनलाइन, उसके बाद में ऑफलाइन अगर मेन एग्जाम हो जाता है तो एक बार वो भी किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से 90% तो ये संभव है, मगर 10% अपने को फ्लैगशिप एग्जामिनेशन में इंटरव्यू का भी एलिमेंट विद मिनिमम ऑफ द वेटेज रखना चाहिए। चलिए सर, ये ललित के पवार साहब के साथ हमारा ये फेस टू फेस जारी रहेगा, अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। घर एक स्वर्ग होता है, जैसे चाहे रो जियो, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। जिस ताकत ने मेरे को दुनिया भर में मान सम्मान दिलाया वही ताकत मेरी प्रॉब्लम बन गई। फिर एक दिन मौसी ने बताया अंबुजा सीमेंट से घर बना लो, उसके बाद पता चला घर पर रहने का मजा।
विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट। इस साल तेरे ही खेत में जीरे का उत्पादन ज्यादा हुआ है, तो बता कौन सी कंपनी का तूने जीरा बोया है? इस साल मैंने मेरे खेत में संशोधित जीरा वेस्टर्न सी 45 और वेस्टर्न सी 60 की बुआई की थी। इस किस्म के पौधे में डाली और पेटा डालियों की मात्रा ज्यादा होने से उत्पादन ज्यादा मिलता है। वेस्टर्न वीरचे रायडो, मैं वेस्टर्न जीरे की बुआई कर रहा हूँ क्योंकि फसल अच्छी मिलती है, बदले जिंदगी। वेस्टर्न सीड्स। इतनी कमाई आखिर किसके बलबूते पर? मेरे सोनालिका ट्रैक्टर के। और भला किस में है ये दम? सोनालिका ट्रैक्टर देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रिंग। किसान भाइयों, भारत भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा अवनी 111 ही बोइए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। रेड राइडिंग स्कार, क्यूटी से डिजाइन लंदन रोम पेरिस से रशियन सागो लेडीज नारी से रेड राइडिंग स्कार। और सर, बतौर प्रशासनिक अधिकारी अगर मैं आपके जीवन और आपके सर्विस के कार्यकाल को अगर मैं देखूं, तो एक बड़े दबंग अधिकारी की आपकी भूमिका रही है। लोग कहते हैं कि सामान्यतः कई मंत्रीगण बचना चाहते थे कि ललित के पवार साहब उनके विभाग के सचिव ना बने, क्योंकि वो जब काम करेंगे तो अपने तरीके से करेंगे, मंत्री के लिए काम करने की भूमिका जो है वो बहुत कम हो जाती है। क्या है ये? इससे मैं सहमत नहीं हूं। वो इसलिए कि प्रजातांत्रिक सिस्टम में मंत्री की भूमिका रहेगी, क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से विभाग के मुखिया मंत्री जी होते हैं। अधिकारी चाहे वो विभाग अध्यक्ष है चाहे वो सचिव है, उनकी भूमिका सलाहकार की होती है। अब ये बात अलग है कि हर अधिकारी का काम करने का स्टाइल अलग होता है। मेरा काम करने का स्टाइल, चूंकि मैं गांव की पृष्ठभूमि से आता हूं, तो थोड़ा देसी है। देसी का मतलब जो भी मिलना है उनसे अदब से मिली, उनकी बात को सुनी। और अब तक जितने भी मंत्री साहबान के मातहत मैंने काम किया है, आज की तारीख तक उनकी मेरे साथ बहुत मधुर संबंध आज भी है। कभी कभी माननीय मंत्री महोदय को ये लग सकता था, खासतौर से जिन दिनों में शिक्षा निदेशक था, तो उन दिनों में 150-200-250 गुरुजनों से एवरीडे मिलता था बीकानेर में। तो उस वक्त माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा भी था, भाई आप बहुत ज्यादा, तो मैंने उनको उस वक्त यही अनुरोध किया था। लोग कहते हैं नेता की तरह आप खुद सक्रिय रहे हो। मैंने कहा सर, मैं एक विभाग का अध्यक्ष हूँ, अगर विभाग अध्यक्ष काम नहीं कर पा रहा तभी तो कोई टीचर मंत्री महोदय के पास जाए, क्योंकि मंत्री महोदय की भूमिका है नीति निर्धारक की, पार्लियामेंट या असेंबली में विभाग की बात रखने की। हाँ, विधायी कार्य ज्यादा जिम्मेदार है। अब वो छोटी मोटी बातें भूल जाएंगे। तो मैं उनको यही कहता था कि सर, आपके जो भी डायरेक्शंस गाइडलाइंस ऑर्डर्स हैं उनके 100% कंप्लायंस होगी, बाकी डिपार्टमेंट कैसे रन करना है वो कृपया आप मुझे करने दें, आपके पास शिकायत नहीं आएगी। तीन मुख्यमंत्री साहिबान रहे, तीनों ने मुझे डायरेक्टर एजुकेशन एक साल रखा, तीन शिक्षा मंत्री रहे, आज तक किसी भी मंत्री महोदय से मेरा झगड़ा नहीं हुआ है। टिल डेट कम से कम मैंने 40 मिनिस्टर्स के साथ काम किया है और सबके साथ आज भी मेरे आत्मीय संबंध है। एक सतही स्तर की शिक्षा दीक्षा के स्तर से आप निकल करके आए और सफलता का ये पायदान, क्या सफर था? मैं बाड़मेर जिले में बालोतरा गांव में, वो मेरा पितृ गांव है और मेरे पिताजी अध्यापक थे, माताजी भी अध्यापक थी, अब रिटायर हो गई हैं, हमारे गांव में रहती हैं। और मैं बालोतरा में, जसौल में, पचपदरा में, गुड़ा मालानी में, कोरोना बागावास बाड़मेर वहीं पढ़ा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर से मैंने डिग्री की, बीएससी की और एमएससी जोधपुर से की। ये मेरा सौभाग्य रहा कि प्रथम अटेम्प्ट में ही आईएएस के इंटरव्यू मैंने टॉप किया, 400 में से 280 नंबर थे, 70%। उसकी वजह से मुझे राजस्थान कार्डर मिल गया। आज भी मैं रोजाना 12:45 ही सोता हूँ, जब तक कि 1.5-2 घंटे पढ़ नहीं लूँ मैं सोता नहीं हूँ। एक ये मैं कह सकता हूँ कि जो माहौल गांव का था और वो जो हमारे गांव अपने ग्रामीण संस्कार है, फाइटिंग स्पिरिट, यर्निंग फॉर लर्निंग और सबसे बड़ी बात ह्यूमन डिग्निटी। आज भी मैं राजस्थान लोकसभा अध्यक्ष के नाते मुझसे अगर कोई क्लास 4 भी मिलने आएगा तो मैं हमेशा ये कहूंगा, आओ नारायण जी कैसे पधारे, विराजो, तसली से सुनेंगे। कम से कम उसको ये रहे कि मेरी बात सुनी गई। ह्यूमन डिग्निटी, हर नर में नारायण है, ये संस्कार हमको बचपन से दिए गए हैं। और जो पृष्ठभूमि आपकी ग्रामीण रही, शिक्षा दीक्षा रही, उसके कारण से जब बतौर राजस्थान में प्रशासनिक अधिकारी आप रहे, चाहे जिलाधीश रहे, चाहे विभागों के विभागाध्यक्ष रहे, चाहे सचिव रहे,
उसका योगदान आपकी कार्यशैली पे रहा? बिल्कुल, जैसे आप टूरिज्म की बात कर रहे थे तो हम लोग जिस एरिया से हैं, मारवाड़ से, अब मारवाड़ में अपनायत यानी जिसको कह सकते हैं अपनापन, सम्मान एक प्लस, प्लस मेजबानी की, मेहमानवाजी की बहुत तगड़ी परंपराएं हैं। इसीलिए टूरिज्म एक ऐसा फील्ड था जो मेरे लिए नेचुरल था, क्योंकि हमारे खून में था मेजबानी, हॉस्पिटैलिटी अपने आप में एक पार्ट थी, और अदब एंड सेंसिटिविटी फॉर ह्यूमन बीइंग। तो टूरिज्म के तीन बेसिक ग्रेडियंट्स थे, तो हम इन्हीं में पल बढ़ के बड़े हुए। इन सबके बीच में से जब ललित जी बात करते हैं तो राजस्थान का जो मूल है, अर्थव्यवस्था का मूल, आप लोग आप कई बार मैंने आपको सुना भी, आपने कहा है कि अगर हमने अगर पर्यटन को अगर 100% अगर पा लिया, उसके उसके जो पोटेंशियल्स है, तो राजस्थान के अंदर बेरोजगारी और बाकी की जो आर्थिक समस्याएं हैं वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हम कर नहीं पा रहे, कहाँ अटक रहा है मामला? राजस्थान में बहुत संभावना है, सैंड ड्यून से लेकर के यहाँ झीलें हैं, यहाँ पहाड़ है, यहाँ माउंट आबू जैसा इलाका है, तो यहाँ जयपुर जैसी विरासत, जोधपुर जैसी विरासत है, और फिर भी हम उस लेवल पे जाकर के इन चीजों का उपयोग नहीं कर पा रहे। आज भी हमारा राजस्थान भारत के टॉप 5 टूरिज्म स्टेट्स में है, और चूंकि मैं भारत सरकार में पर्यटन सचिव रहा हूं तो इस बात को मैं आधिकारिक तौर पर भी कह सकता हूं कि भारतीय पर्यटन राजस्थान के बिना अधूरा है। बिल्कुल, ये पूरा विश्व मानता है। अब रही बात की राजस्थान का पोटेंशियल कितना था और हम इसको कितना उपयोग कर पाए हैं या कितना उसको हार्वेस्ट कर पाए, तीन मुख्य बातें हैं जो हमारे सामने आ रही है। सबसे बड़ा जिसको मैं मानता हूं वो आती है एयर कनेक्टिविटी की। जैसलमेर में एयरपोर्ट बने हुए 3 साल हो गया मगर एक भी फ्लाइट नहीं है। बीकानेर में एयरपोर्ट बने हुए 2 साल हो गए, अब तक एक फ्लाइट नहीं है। क्योंकि राजस्थान हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत है और सबसे पोटेंशियल प्रांत है टूरिज्म की दृष्टि से। तो पहला मैं तो चाहूंगा एयर कनेक्टिविटी को हम इम्प्रूव करना चाहिए, और इसलिए अभी राजस्थान सरकार ने जो नई पर्यटन नीति घोषित की है उसमें एयर ट्रेवल, हेरिटेज और इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म सेक्टर, उसको बहुत प्रायोरिटी दी है। बहुत ही प्रोग्रेसिव पॉलिसी है, इसके इम्पैक्ट भी आपको नजर आएंगे। अभी जो रिसर्जेंट राजस्थान होने जा रहा है इसमें टूरिज्म सेक्टर में भी काफी मेजर इन्वेस्टमेंट आ रहा है। टूरिज्म के तीन बेसिक्स होते हैं, ए फॉर अकोमोडेशन, ए फॉर एक्सेस, ए फॉर एमिनिटीज। तो एक्सेस और एकोमोडेशन इस पर हमें थ्रस्ट करना है। एमिनिटीज तो हमारे यहाँ काफी डेवलप हो गई है। एक्सेस में तीनों तरह की एक्सेस आती है, तीनों का कॉम्बिनेशन जब बन जाएगा तो राजस्थान, दिल्ली जयपुर हाईवे 7 साल से देखिए हाँ उखड़ा पड़ा है पूरा। नाउ थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, कि अभी गडकरी साहब आए हैं, ऑनरेबल सीएम ने इनके स्पीड अप किया है, तो अब दिल्ली जयपुर जिस दिन 3 घंटे का हो जाएगा बाय रोड, तो दिल्ली आगरा जयपुर जो गोल्डन ट्रायंगल है इसका हमें फायदा मिलेगा। एयर कनेक्टिविटी, एयर टैक्सीज अगर इम्प्रूव हो जाती है तो उसका हमें फायदा मिलेगा। उसके अलावा जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भारत सरकार की जो योजनाएं प्रसाद है और जो स्मार्ट सिटीज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं आ रही है, तो मेरा ये मानना कि आने वाले 3-4 वर्षों में टूरिज्म को बहुत मेजर बूस्ट मिलेगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा निर्णय जो भारत सरकार ने लिया, सौभाग्य से मैं उस वक्त सेक्रेटरी टूरिज्म था और वो निर्णय भारत सरकार का था, वो था वीजा ऑनलाइन। 150 देश के लोगों को भारत सरकार वीजा ऑनलाइन दे रही है, और पिछले 6 महीनों में जब से ये योजना लागू हुई है अब तक करीब 2 लाख वीजा इश्यू हो चुके हैं पर्यटन के अंदर काफी से, और इसमें राजस्थान का बहुत अच्छा शेयर है। राजस्थान में कहते हैं सब सीजनल टूरिज्म है, इसके कारण से फुल टाइम एक प्रोफेशन लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर पाते, इसीलिए इन्वेस्टर भी सोचता है कि 3 महीने होटल के अंदर ऑक्यूपेंसी 70% होने वाली है और बाकी के 9 महीने जो ऑक्यूपेंसी है वो लेस देन 30% होने वाली है, तो क्यों होटल लाऊं? तो इस चीज के लिए भी काम करने की जरूरत है। ये एक चुनौती है, ये एक चुनौती इसलिए भी है कि हमारा सीजन बेसिकली अगर माने अपन तो अक्टूबर से लेके और फरवरी एंड तक है, मार्च अपर एंड अपर इसको मान लें लिमिट, तो ये तो हो गया हाई सीजन। मगर हमारे पास माउंट आबू भी है, हमारे पास उदयपुर भी है, तो हम ऑफ सीजन में यानी समर्स में भी माउंट आबू को प्रमोट कर सकते हैं और कर रहे हैं। माउंट आबू में काफी आते हैं समर्स में, लाखों की संख्या में टूरिस्ट वहां पहुंचते हैं। दुबई का उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, दुबई और राजस्थान का टेम्परेचर, बल्कि दुबई का ज्यादा है, फिर भी अराउंड द ईयर टूरिस्ट आते हैं। क्योंकि अगर हम इसको राजस्थान फॉर ऑल रीजन्स एंड राजस्थान फॉर ऑल सीजन्स इससे प्रमोट करें, राजस्थान 365 डेज, तो हम उसको डेस्टिनेशन स्पेसिफिक बना सकते हैं कि हाई सीजन विंटर्स यस नॉर्मल राजस्थान एनीवेयर, बट इट इज समर्स गो टू माउंट आबू, गो टू द साउथ राजस्थान विच इज कंपेरेटिवली कूलर। एट द सेम टाइम जब दुबई में इतनी गर्मी में लोग आ सकते हैं, तो इसका मतलब कि राजस्थान जब आप आए अर्ली मॉर्निंग साइट सी, डे टाइम में लंच एंड रिलैक्स, एंड पोस्ट लंच अराउंड 4:30 अगेन आउट, फॉक्स एंड या इंडोर्स एक्टिविटीज, इट कैन बी फाइन ट्यून्ड।
चलिए मौजूद, ये तो रही आपके साथ विस्तृत बातचीत। आखिरी सेगमेंट है रैपिड फायर का, कुछ सवाल होंगे जिनके हाँ या ना या कुछ चंद शब्दों में मैं जवाब चाहूंगा। ललित के पवार साहब व्यक्तिगत जीवन में प्रशासनिक अधिकारी अधिक या एक पारिवारिक इंसान अधिक? मिक्स ऑफ द टू। ललित के पवार साहब के जीवन के अंदर अगर वो याद करें तो सबसे श्रेष्ठ समय या सबसे प्रसन्नता का समय? एज डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, मैं 3 वर्ष तक जब मैं शिक्षा विभाग का निदेशक था तो वो कार्यकाल को मैं अपना अभी तक का सबसे सेटिस्फाइंग टेन्योर मानता हूँ। पवार साहब को गुस्सा कब आता है? व्यवस्था ढंग से नहीं हो तो ऑब्वियसली एज ह्यूमन बीइंग क्रोध आना स्वाभाविक है, मगर उसको मैं नियंत्रित करके कोशिश करता हूँ कि उस एनर्जी को कहीं और डाइवर्ट करें। पवार साहब के जीवन में आदर्श कौन? 2 विभूतियां जिनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर और विवेकानंद जी। आज अगर मैं ललित के पवार साहब से पूछूं कि जीवन के इतने लंबे कार्यकाल और अवधि के बाद में अगर मैं उन्हें कहूं कि वो अपने इन आदर्शों के करीब खुद को रखें और नंबर दें, कितने नंबर देंगे 1 से 10 में से? 0। वो प्रेरणा के पुंज हैं, उनकी तो चरणों की धूल तक भी पहुंचना बहुत मुश्किल है, मगर प्रेरणा हमारी वो दोनों रहे हैं। अगली सवाल, आज के आने वाले 10 साल 15 साल बाद में ललित के पवार साहब खुद को कहां पाते हैं? ये जो मेरा वर्तमान कार्यकाल है ये जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में मैं अपने आप को पूरा ग्रामीण पर्यटन और स्किल डेवलपमेंट, बस ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें जो भी मेरा अनुभव और जो जो, जो मेरे कॉन्टैक्ट्स उसको यूज करना चाहूंगा। ये सब बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको कि आप अपने जीवन के जो बाकी के जो आपने सफर सोच रखा है वो पूर्णतया सफल हो, आपको अपना लक्ष्य मिले। तो ये थे साहब ललित के पवार साहब, जिनकी पहचान वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर और वर्तमान कार्यकाल आरपीएससी चेयरमैन के तौर पर उसकी सफलता का इंतजार पूरा राजस्थान कर रहा है। पवार साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। शुक्रिया। और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। घरेलू आटा चक्की, इसमें